तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई। और जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था पावर बीआई की डेटा कनेक्टिविटी फाइल के साथ, जहां तक मुझे उम्मीद है कि हम पावर बीआई में आपको कि आप जब ये डेटा पे जाते हैं तो आप किसी फाइल से कैसे अपने आप को कनेक्ट करेंगे, क्या सर? तो फाइल कनेक्शन में बताया कि एक्सेल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, सीवी के साथ, एक्सेल के साथ, फोल्डर कैसे लेंगे, पीडीएफ कैसे लेंगे। जेसन फाइल मेरे पास नहीं था, पर ना जेसन फाइल भी नॉर्मल जैसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? राइट सर। अब आती है डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन मतलब कि आपके पास अगर कोई डेटाबेस है, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर, जैसे कि ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल डेटाबेस या सैप, कैसे कनेक्ट करेंगे? तो इसमें हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस तो नहीं है, लेकिन कुछ जो डेटाबेस है उसके साथ हम बताते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं एक्सेस की बात करें, हमने एक्सेस को सिलेक्ट किया एंड कनेक्ट किया, तो आपको अपनी एक्सेस की फाइल सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप अपनी एक्सेस, जो भी आपकी एक्सेस है, उस एक्सेस की फाइल को सिलेक्ट करें। तो मैं डेटाबेस वन को सिलेक्ट, यहां इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, तो डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता है डीबी वन को एंड ओपन कर लेता। अच्छा, इसमें हो सकता है टेबल नहीं हो, इसलिए मैं फाइल चेंज करता हूं, मैं पी डेटा ले लेता हूं। OLEDB का है सर? नहीं नहीं, जो डेटाबेस ले नहीं सर, डेटा नहीं होगा। हाँ नहीं सर, OLEDB का एरर दिखा रहा है, वो कनेक्शन का। हाँ OLEDB का नहीं, इसको ड्राइवर नोड अच्छा अच्छा इसमें ओके, ए लिखता हूं, अगर कुछ इश्यू आ रहा है सर इसको बाद में आराम से कर लीजिएगा आप, चेक हेलो कोई और टॉपिक करवा दीजिए। ठीक जी।
हेलो बोलिए सर, ये जानना भी जरूरी है क्योंकि मेरे सिस्टम में तो नहीं हो सकता, आपके सिस्टम में भी ना वर्क करे, बात समझ रहे हैं? हाँ जी सर। तो इसको भी रिजॉल्व करना जरूरी है। तो मान लीजिए आपके अगर एक्सेस में डेटा होगा तो ठीक है, मैं इधर तो हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे डेटाबेस में आते हैं। और यहां पे हम डेटाबेस में आते हैं। तो अब ये हमारा एसक्यूएल सर्वर के पे जाते हैं, एसक्यूएल सर्वर पे जाते हैं कनेक्ट। यहां पे आपको देना पड़ता है सर्वर नेम। तो सर्वर नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं पता है तो आप अपना मैनेजमेंट स्टूडियो को करें। हेलो, हाँ तो मैनेजमेंट स्टूडियो आप ओपन कीजिएगा, वो ओपन हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे आपका सर्वर नेम डालिए और यहाँ पे अपना अगर डेटाबेस का नाम पता है तो डेटाबेस का नाम डाल दीजिए और कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है? ठीक, मैं एसक्यूएल सर्वर ओपन कर रहा हूँ। सब चीज ओपन होने में टाइम लगता है सर। देखिए सर्वर से आप ऑफिस में जो है सर्वर से अगर आप लोग क्या यूज करते हैं मनोज जी, आपको मनोज जी आपके ऑफिस में? हाँ जी सर, यूज होता है सर। हाँ जी, एसक्यूएल भी यूज होता है, एक्सेस भी, और एक्सेल सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, एक्सेल सबसे ज्यादा होता है। जी नहीं, डेटाबेस कोई होगा ना जहां से डेटा, एक्सेल में तो आपका डेटा है ना? हाँ जी, हाँ जी, डेटा तो एसक्यूएल से आएगा ना, वेबसाइट से आएगा ना सर। हाँ, मतलब कि आप अपने इसमें डेटा कौन सा रखते हैं बताना, जब पूछ रहा था आपसे। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास सैप होता है, बहुत सारे लोगों के पास आईलोन होता है, बैंकिंग सेक्टर में अच्छा सर, एसक्यूएल है आईलोन। वैसे सर, एसक्यूएल है। तो देखिए मैंने एक्सेस के साथ कनेक्ट किया, तो आप देखिए एक्सेस में जितने भी क्यूरी है और जितने भी टेबल्स है लिस्ट आ गई। अब क्यूरी को लिंक करना चाहते हो, टेबल को लिंक करना चाहते हो, समझे? ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो सेलेक्ट कर लीजिए, एक एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे नाम लोड कर दे। तो एक्सेस जैसे कि क्या होता है कि कुछ चीजों में एक्सेस बड़ी आसानी से ये हो जाता है, मतलब कि कनेक्टिविटी हो जाती है, या फिर हमें स्कूल की कोड वगैरह जो है इजीली वहां पे दिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके डेटा में चार पांच डेटा है और बताया था लास्ट लास्ट क्लास में कि आपको दो डेटा पे पिवट लगानी है, उसी तरह से मान लीजिए दो डेटा पे आपको यहाँ पे पावर बीआई के काम करना है, तो वहां भी आप एक्सेस में उसको लोड करके और जो क्यूरी मैंने जो एसक्यूएल की यूनियन ऑन डाला था, यूनियन ऑन डाल के कंबाइन कर लेते, फिर पावर बीआई में हम कनेक्ट कर लेते। देखिए यहाँ आपका कनेक्ट हो गया। और उसी तरह से आप अगर एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं तो आपके पास सर्वर का नेम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ब्राउज फॉर मोर करेंगे तो सर्वर नेम यहाँ से दिख जाता है, ऐसे वहां पे दिखा हुआ आता है, यहाँ पे मेरा इलाज सर्वर। तो सर्वर नेम क्या होता है? सर्वर का नेम होता है और उसका पाथ होता है, क्योंकि पाथ इसलिए देना होता है कि मोस्टली सर्वर आपके लोकल होस्ट नहीं होते, कंपनीज में
आपका एसक्यूएल सर्वर क्लाइंट होस्ट होता है, हम्म, बड़ा होगा, और हम क्लाइंट सर्वर के जरिए उसको यूज करते, उसका पाथ जानना जरूरी है। तो इस पाथ को कॉपी करें और पावर बीआई पे आए, और यहां पे हम एसक्यूएल सर्वर यहां से भी कर सकते हैं, क्लिक कर देते हैं और यहां पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अगर आपको कोई डेटाबेस नाम पता है तो आप ले सकते हैं। अभी आप डेटा को इंपोर्ट करना है या फिर डायरेक्ट क्यूरी रन करना है, इस सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल करते हैं। अब यहां पे पूछता है कि आपके डेटाबेस में कोई यूजर है या फिर यूजर अकाउंट वगैरह है या नहीं। नहीं, मैं विंडोज एप्लीकेशन पे चलता है, या डेटाबेस का पासवर्ड है तो यूजर पासवर्ड, या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे चलता है तो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, अब आपसे डेटाबेस पूछेगा कौन सा डेटाबेस और उस डेटाबेस के अंदर कौन से फाइल, फिर कौन सा सीट, सीट को सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए और आप उसको लोड कर लीजिए। समझे, तो ये हमारा लोड हो गया, हो गया सर। क्लियर है? डेटा कहाँ पे दिखाएगा सर? डेटा यहाँ दिखाएगा, ओके, यहाँ दिख आगे, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, प्रोडक्ट वगैरह अब इसको ले सकते हैं। ठीक है सर? यस सर, ठीक है सर। तो गेट डेटा में एसक्यूएल से इसी तरह से बाकी और से भी कर सकते हैं, बाकी सर्वर्स हैं तो जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से कर लीजिएगा। मेरे पास तो सर्वर है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। ठीक है सर। पावर प्लेटफॉर्म, तो पावर बीआई डेटा सेट आपके पास कोई है तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने ले रखा है पावर बीआई डेटा सेट तो अच्छा, इसमें आपका अमोन का डेटा सोर्स आपका कनेक्टेड है, इसलिए ऐसे भी मेरे पास पावर बीआई का डेटा सेट नहीं है, होता तो कर सकते थे, और पावर बीआई का डेटा सेट बहुत कम ही होता है। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, अजूरे वगैरह तो मेरे पास है नहीं, तो ये अजूरे वगैरह से कर सकते थे। ऑनलाइन सर्विसेज है हमारे पास, तो ऑनलाइन सर्विसेज में सेल पॉइंट वगैरह कर सकते हैं हम। इसमें हमारे पास देखेंगे तो हमारा फेसबुक है, चलिए फेसबुक के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। अब बोलेंगे सर फेसबुक से क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन है ना, हम तो ऑफिस में फेसबुक चलाने थोड़ी जाते हैं क्या सर? तो सर फेसबुक से आप नहीं करेंगे, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज होती है जिसका एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग टीम ऑनलाइन सेलिंग करती है, उसकी मार्केटिंग टीम है, वो लोग जो है वो अपनी जो कनेक्शन है, अपनी जो कनेक्शन है वो कनेक्शंस मतलब एडवर्टाइजमेंट है गूगल पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, कई सारे प्लेटफॉर्म पे देते हैं, तो वहां से उनकी जो डेटा है एनालिसिस डेटा है कि कितना क्या हुआ सब देना पड़ता है ना सर। समझ गए? तो उस केस में हम उनका फेसबुक, लिंक्डइन और ऐसे साइट से भी उनका एनालिटिक्स से डेटा लेते हैं, ताकि वो एनालिसिस कर सके कि हमारा जो एड है वो कहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसा खर्च करे, कहाँ पे अच्छे यूजर्स हैं वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ देता हूँ अपनी,
आई सो ओल्ड पास्ट password change 8 month. हम यहां पे करेक्ट करते हैं. इसमें आ गया. अब इसमें क्या चाहिए, यहां देखिए डेटा, ये हमारा डेटा नहीं, नहीं. सोर्स कनेक्शन रिकॉर्ड फिर डिजाइन है आपका पावर पावर क्वेरी खोल दिया इसने. चलिए हाँ इंटो इंटेल ये कन्वर्ट करके डाल दें. Closure. तो और भी उसमें होता है, उसको डीपली देखना पड़ेगा. कनेक्शन मैं तो बस यहाँ पे कनेक्शन बता रहा हूँ, आगे चलकर उसकी फीड और बाकी चीजें भी हम लेंगे. ठीक है यहाँ पे क्यूरी आ गया, क्यूरी टू आ गया. तो ऐसे आप लिंक्ड के साथ भी निकल सकते हो, जैसे कि अगर हम मोर पे जाएं यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में लिंक्ड कनेक्ट यहाँ पे जैसे ऑल कॉन्टैक्ट. ठीक है स्टार्ट एंड डेट है तो मैंने छोड़ दिया, इसको ओके करता हूं. साइन इन
यहां पे कनेक्ट। यहां पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते नो कंटेंट एसोसिएटेड विद द लॉग द अकाउंट इज नॉट परमिशन टू रिकॉर्ड आ जाइए करके अच्छा मुझे जाकर वहां पे कुछ करना पड़ेगा तब जाके कॉन्टैक्ट मिलेगा। लग रहा है इसका हटा एक्टिविटी नहीं हटाया हुआ है। आ जा रहा है इसकी सेटिंग में परमिशंस नहीं दिया होगा ना सर इसका। गूगल में भी होता है ना कि आप उस आउटलुक से कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपने उसको वहां से परमिशन देनी पड़ती है। हाँ देने के बाद उसके कॉन्टेक्ट वगैरह बाकी चीज वगैरह यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं। ठीक है तो ऐसे ऑनलाइन सर्विस। अब बात आती है वेबसाइट डेटा कि वेबसाइट डेटा से कैसे आप करेंगे। तो ऑनलाइन सर्विस में हम इस पे जाते हैं मोर पे तो इसमें आपकी ऑनलाइन सर्विसेज है जो ऑनलाइन चलने वाले सर्विसेज वो है यहाँ पे। टीम डेक्स हो गया क्विक बेस हो गया सब जो है ना ऑफिस में यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ सिक्योरिटी है क्विक बुक है या मेल चैम्प भी यूज होता है उसे कंपनी में। गूगल एनालिटिक्स है अदर सोर्सेज में आते हैं तो अदर सोर्सेज में आता है हमारा वेब मतलब कि हम वेबसाइट का डेटा को यहाँ पे हम ला सकते हैं। तो वेबसाइट पर डेटा यूआरएल क्या है मान लीजिए मुझे अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का डेटा लेना जैसे मैंने आपको इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज नहीं मैं इसका करता हूँ एनएसई एनएसए तो सिक्योरिटी एजेंसी होता है ना NSC India ये वाला। हाँ निफ्टी का ही है डेटा मुझे लेना है नहीं निफ्टी 50 ही होता सर डेट डाल डेट सेलेक्ट करनी हो रही लेकिन इसका डेटा लाएगा क्योंकि इसको एक्सचेंज करने देगा वहां पे क्योंकि यहाँ ये तो आपका ही आ गया ना डाउनलोड से किस फॉर्म में डायरेक्ट कर सकते हैं फिर करनी हमें उसको करना है ना जो कि इंडेक्शन कर लेते हैं। हाँ जैसे ये हुआ ये डेटा हमें लेके जाना है लाना है एक्सेल पे। ठीक है क्योंकि तो इसको नहीं कर सकते ना लाइव एचटीएमएल का हाँ लाइव डेटा तो यहाँ पे उसका यूआरएल हम यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ओके। थोड़ा सा इंतजार करते हैं क्योंकि इंटरनेट से है तो थोड़ा सा स्लो वर्क करेंगे।
काफी टाइम ले लिया। ये टाइम ले रहा है सर, लेकिन कनेक्ट कर लेता है। हाँ कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि एनएससी में डेटा भी ज्यादा होगा। हाँ अब ये दिक्कत हो गया। जयदीप जी इसको ट्राई करके देखिए कनेक्टिविटी को। हाँ सर ठीक है ना। ओके सर। और कल और से सर, कल से हम बात करेंगे रिपोर्ट्स बनाने और पावर की दोनों के साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है। ओके ओके सर। तो आज शाम को